धर्म विशेष के लोगों को देखकर कार्रवाई हो रही है, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, अभी ज्ञापन देने गए हैं मंत्रालय में। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जो भी माफिया है वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। अब रीवा में एक साधु थे तो उनका मकान तोड़ा गया, तो कहाँ धर्म देखा गया? और इसलिए जहाँ पर भी जो माफिया हैं, अगर कहीं पर आत्तन अपराधी हैं, बेटियों के साथ कोई गलत घटना अगर हो रही है और अवैध अतिक्रमण है, सरकारी जमीन है, तो हम लोग उसको मुक्त करा कर और वो जमीन गरीबों के मकानों के लिए सरकार देने का काम कर रही है। तो ये जो माफिया है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार सर चुनाव, देखिए कांग्रेस का किसी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है, कभी ओबीसी के नाम पर तो कभी एससी के नाम पर तो कभी एसटी के नाम पर तो कभी मुस्लिम के नाम पर। तो कुल मिला के कांग्रेस का जो कोशिश होती है कि किसी भी तरह से समाज को बांटो और समाज को बांट के राज करो। जब इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है देश में और प्रदेश में, तब इन्होंने ओबीसी के लिए क्या काम किया है ये बताएं। ओबीसी के लिए जो भी काम हो रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इन्होंने तो न्यायालय में ये लिख कर दिया कि ओबीसी की आबादी कुल 14% है और उस कारण से कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो कोर्ट का स्टे कांग्रेस की गलती के कारण हुआ, बाद में हम लोगों ने इसको ठीक किया और बाद में जो आंकड़े हैं वो हम लोगों ने न्यायालय में पेश किए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग संवैधानिक आयोग बनाया। उस आयोग का काम चल रहा है और उस आयोग से अधिकृत जनगणना आ जाएगी और उस जनगणना के आधार पर वैधानिक स्वरूप ओबीसी को मिल जाएगा और उस आधार पर हम लोग ओबीसी के लिए चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, नौकरियों में 27% आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार संकल्पित है और हम लोगों ने अनेक लोगों को नौकरियां मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के आधार पर दी भी है और वर्तमान में न्यायालय का चूंकि स्टे है और उसके बाद भी सरकार रास्ता निकाल रही है और हम ओबीसी के विकास के लिए, कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के कल्याण में हम लोग कोई कसर बाकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।